में कहते हैं भगवान जब देता है तब छप्पर फाड़ के देता है। लेकिन अपना छप्पर फटा कब? ये एक पुरानी कहावत है, तो इसे चेंज करो। ऐसे कहो, जब भी भगवान देता है तो टेरेस तोड़ के देता है। लेकिन भगवान ने हमें दिया क्या? ये रिश्तों की लाइन लगा दी, वो क्या कम है? उसने भगवान को मत घसीट, ये रिश्ते तो इंसान के मेहरबानी से आए हैं। तीरा है ना, वो डूबते आदमी की तरह है, जिसके नाव में छेद हुआ, पानी भरा और वो डूबने लगा। जफर है ना, देख, अगर नाव में एक जगह छेद हो गया तो वो दूसरी जगह भी छेद करता, ताकि एक छेद से पानी आकर दूसरी छेद से निकल जाता। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, सीधे भगवान से प्रार्थना की और कहा, भगवान मुझे बचा लो। तभी एक जहाज आए और कहा, चलो हमारे साथ। उसने कहा, नहीं, मुझे भगवान ही बचाएगा। हाँ? जरूर स्वीटी का भाई होगा। मेरा कोई भाई डूब के मर गया है और मुझे पता भी नहीं। अबे चिकनी, ऐसा कुछ नहीं है। उस आदमी ने 5 जहाज वालों को मना कर दिया और फिर डूब कर मर गया और सीधा भगवान के पास पहुंचा। उसने भगवान से कहा, भगवान मैंने इतने सालों तक तेरी भक्ति की, फिर मुसीबत के वक्त जब मैंने तुझे याद किया तब तू मुझे बचाने क्यों नहीं आया? भगवान ने कहा, अबे गधे, जो 5 जहाज तुझे बचाने आए थे वो क्या तेरे बाप ने भेजे थे? उसे हंसती है। अरे बेवकूफो, ये जोक सुनाने का टाइम नहीं है। ये सोचो कि लड़की एक है और देखने वाले 4, मैनेज कैसे करेंगे? डैडी, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया। पिछले महीने हम लोग ने एक गैलेक्सी कॉम्पिटिशन रखा था ना, बिल्कुल वैसे ही हम लोग अपने घर में एक स्टेज बना लेंगे, फिर सारे लड़कों को बिठा देंगे और मैं कैटवॉक करूंगी ऐसे। फिर हम लोग बैठ जाएंगे और लड़कों से डॉग वॉक करवाएंगे। मैं तो सबको पसंद आऊंगी, लेकिन जो लड़का मुझे पसंद आ गया उससे मेरी शादी पक्की। डैडी, आपको वो गाना आता है ना, बाबुल की दुआएं लेती जा। अपना मुंह बंद रखने का क्या लेगी? अब क्या लेना, दहेज तो आप दोगे ही ना। डैडी, मेरे पास एक आइडिया है। जैसे द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था वैसे ही हम एक कंपटीशन रखेंगे लड़कों के बीच में, और जो जीतेगा हम स्वीटी का हाथ उसको सौंप देंगे। अरे तुम लोग खामखा टेंशन ले रहे हो, जो होगा देखा जाएगा। स्वीटी, जा जाकर तैयार हो जा। मीनाक्षी, तू किचन में जाकर नाश्ते का बंदोबस्त कर, और काजल, तू कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया, और राधिका, तू एक काम कर, घर की सारी चीजें सजा दे। हाँ है ना, खैरनार को बिल्डर बनाने की बात कर रही है, अगर ये चीजें सजाने बैठेगी तो उसे तोड़ फोड़ कर साफ कर देगी। छोटी, तू इस काम को संभाल ले। ना बाबा ना, अभी तो मुझे पूरी सोसाइटी में खबर देनी है कि हमारी स्वीटी को देखने 4 लड़के आ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं। क्यों क्यों कोई जरूरत नहीं? पता है लोग मुझे सोसाइटी में ताने मारते हैं। क्या ताने मारते हैं? वो मल्होत्रा आंटी है ना, वो मुझे कहती है कि तुम्हारे घर से कभी डोली नहीं उठेगी। अभी जाकर बताती हूँ उन्हें, आकर देखे कि हमारे घर से पूरी जुलूस निकल सकती है। अच्छा, कमीनी ने मेरी बेटियों के बारे में ऐसी बातें की? अगले महीने उसके बेटे की शादी है, अगर खाने में जमाल गोटा नहीं मिला है ना तो मेरा भी नाम नहीं। और सोसाइटी में कौन क्या क्या कहता है? मम्मी, वो पूजा आंटी कहती है कि तुम्हारी मम्मी की तरह तुम्हारी बहनों को भी बूढ़ा पति मिलेगा। पूजा ने मुझे बूढ़ा कहा? और करो उसके हेयर स्टाइल और कानों के एयरिंग की तारीफ। एक बार मुझे इस जमेले से निपटने दो, फिर जाकर उसको बताती हूँ। मेरा पति बूढ़ा हुआ तो क्या हुआ, संत ज्ञानेश्वर की तरह शरीफ है, उसके चश्मिश की तरह चालू नहीं। और पापा, वो चड्ढा अंकल की बीवी। बस, कौन क्या कह रहा था वो रहने दो, जिसे जो जाकर सुनाना है सुनाओ, लेकिन हमारा खून मत जलाओ। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे स्वीटी आएगी तेरे सजना। आनंद माथुर का घर यही है क्या? आपको अंग्रेजी आती है? बिल्कुल आती है। तो आपने नेम प्लेट नहीं पढ़ी क्या? आनंद माथुर का घर नहीं तो क्या, देवानंद का ऑफिस होगा। अरे रमन कुमार, आओ आइए, भाभी जी आइए। बिना, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, रमन कुमार, और ये तारा भाभी। तारा, 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 ये स्कूल से
से लेके कॉलेज तक हम साथ में पढ़े हैं। अपने बेटियों से मैं परिचय करा के देता हूँ। ये मीनाक्षी सबसे बड़ी, नमस्ते। ये राधिका उससे छोटी, ये स्वीटी लाखों में एक हो गया। आगे बोलू, ये काजल, ये सबसे छोटी, सिर्फ पांच। एक और होती तो आधा दर्जन का राउंड फिगर हो जाता। बैठिए 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 मीनाक्षी, चल तो जल्दी से पानी ले। आज अचानक आ गए हैं, ना कोई तार ना कोई चिट्ठी। नहीं, वैसे तार करने वाला था पर तारा ने मना कर दिया। तार तारा डैडी, ये कहीं आपके वो वाले दोस्त नहीं जिनके बारे में आप कहते थे कि अगर इन्हें बाथरूम तक जाना हो तो एक उंगली दिखाकर अपनी बीवी से परमिशन लेनी पड़ती है। ये बचपन से जरा ज्यादा ही बिंदास बोलती है। अच्छा है ना, आजकल के जमाने में ऐसी फ्रैंक लड़कियों का ही काम है। देखा रानी, बिंदास बिंदास। लीजिए। नो थैंक्स। यस थैंक यू। तारा पानी पीऊं? कितना पानी पीते हो, फिर दूसरों के घर में बाथरूम का पता पूछते फिरते हो। कोई बात नहीं भाभी जी, पी दीजिए पानी, मैं बिना पूछे बाथरूम दिखा दूंगा। पीऊं? ठीक है पियो। आनंद भैया, दरअसल हम अपने बेटे को लेने आए हैं। क्यों, घर से भाग गया है क्या? नहीं नहीं, अमेरिका गया है, वहाँ से पढ़कर आ रहा है। क्यों, बॉम्बे में स्कूल क्या बंद हो गए थे जो उसे अमेरिका में जा पढ़ने के लिए? हाँ ऐसा नहीं है यार, देख इंडिया में नाचने वालों की कमी है क्या, फिर भी अमेरिका से माइकल जैक्सन को बुलाया ना, बस इसी तरह इन्होंने अपने बेटे को अमेरिका भेजा होगा पढ़ने के लिए। करेक्ट, और वो आज 4 बजे की फ्लाइट से आ रहा है यहाँ। अच्छा, यानी होटल का खर्चा बचाने के लिए तुम लोग ने हमारे घर पर हमला बोल दिया। बॉम्बे में घर होने का भी नुकसान है, मेहमान लोग उसे मुसाफिर खाना बना डालते हैं। नहीं नहीं बेटे, दरअसल हम चाहते हैं कि तुम 5 बहनों में से किसी एक की शादी हमारे बेटे के साथ हो। क्या? वो क्या है कि मैं बोलूं? हाँ, बोलो। हाँ, वो क्या है कि तारा के नेचर की वजह से हमारे पूरे टाउन में कोई भी हमें लड़की देने से डरता है। तारा ने चैलेंज स्वीकार कर लिया कि अगर बम्बई से उसने चांद का टुकड़ा पकड़कर अमेरिका न भेजा, एक्सपोर्ट नहीं किया, तो उसका नाम भी तारा नहीं तो फिर क्या आप चंदा रखोगे? वैसे तारा आज आप बहुत गलत टाइम पे आई है। जो मीनाक्षी ना मीनाक्षी, उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये राधिका इतनी टूट फूट गई है कि इसे अमेरिका तो क्या अलीबाग भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और ये जो काजल भाई है ना, काजल भाई जो भी उससे शादी करेगा ना, उसकी किस्मत फूटी हुई होगी। छोटी के लिए तो दिल्ली बहुत दूर है, शादी के लिए बची हूँ तो सिर्फ मैं, और मुझे आज 4-4 लड़के देखने आ रहे हैं। हाँ, मैं सोचती हूँ कि मेरे बेटे की शादी तेरे से ही करूँ। क्या? मुझे भी अपने बेटे के लिए तुझ जैसी खूबसूरत लड़की चाहिए। तारा, हाँ? मुझे लगता है इसमें अकल कुछ कम है। अकल को क्या करना है, तुम्हारे में भी नहीं थी तो हमारे कौन से जहाज डूब गए। आनंद भैया, आज से ये लड़की हमारी हुई। अरे रे, ऐसे कैसे आपकी होगी, इसको देखने आज 4 नमूने चारों दिशा से आ रहे हैं। टेल यू, हमारा बेटा इन सब नमूनों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा, है ना तारा? और यहाँ के लड़कों में है ही क्या, हमारा लड़का तो अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बड़ा शोरूम है, और 4-4 गाड़ियाँ, और बड़ा अपार्टमेंट है, और दिखने में भी हीरो है। बिल्कुल मेरी तरह। हाँ? पूरा मापे गया है। हाँ? अंकल, इतने लायक लड़के को अमेरिका में कोई लड़की नहीं मिली जो वो यहाँ आ रहा है। दरअसल बात क्या है कि वो बिल्कुल मुझ पर गया है, अपनी माँ को पूछे बगैर कुछ नहीं करता, है ना तारा? फिर तो उसका आधा पैसा ISD कॉल्स पे जाता होगा ना। क्यों? क्योंकि अगर उसको बाथरूम जाना आएगा तो मामा को फोन करके पूछेगा, मामा मामा मैं बाथरूम जाऊँ, सो स्वीट। ए, सब रिश्तों को मारो लात और ये रिश्ता कबूल कर लो। यहाँ भूत लोगों में जिसका रिश्तेदार NRI होता है ना, उसको बहुत इज्जत मिलती है। काम करिए, आप लोग फ्रेश हो जाइए, चाय नाश्ता करिए, तब तक हम लोग आपस में सलाह मशवरा करते हैं।
आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन ये लड़की तो हम लेकर ही जाएंगे। हाँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना तारा? हाँ। बिना ये तो धर्म संकट हो गया। डैडी, यहाँ मेरी शादी संकट में आई है और आप धर्म अंकल की बात कर रहे हो? अरे तू चुप रहेगी तो हम कुछ सोचे कि हमें अमेरिका का रिश्ता तय करना है या मेड इन इंडिया? इसे अमेरिका भेजने में ही समझदारी है, कि अगर इसे इंडिया में रखेंगे तो इसकी बेवकूफी की वजह से इसके ससुराल वाले हर तीसरे दिन इसे वापस पार्सल कर देंगे, और अमेरिका में इसकी शादी हुई और डिवोर्स भी हो गया तो हमें मुआवजा तो कम से कम डॉलर में मिलेगा। और अमेरिका में जितने जल्दी तलाक होते हैं ना उतने जल्दी शादियां भी होती है। भगवान ने चाहा तो मैं एलिजाबेथ टेलर का रिकॉर्ड भी तोड़ दूंगी। शुभ शुभ बोल। वैसे मेरी राय पूछो तो अमेरिका वाला प्रपोजल ही बेटर है, क्योंकि ना सास ससुर की खटपर और ना ननंद बाबी की भंकस, एक लड़का और एक लड़की की कहानी। अच्छा। तेरा क्या कह रहा है मीनाक्षी? सॉरी डैड, लेकिन शादी ब्याह के मामले में किसी को राय देना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। अरे इस हटेली औरंगजेब से राग मालकोंस की बात क्या कर रहे हो डैडी? मेरी शादी है मुझसे पूछो। डैडी, वो जो अमेरिकन लड़का है ना, उसका पाप मुझे बहुत पसंद आया। पालतू पोमेरियन है, उसका बेटा बिल्कुल उस पे गया है, तो पट्टा मेरा और गर्दन उसकी। और आपको पता है मैं अपने पति को प्यार से क्या बुलाऊंगी? मोती मोतीचूर, मोती मोती मोतीचूर। बस मोती भाग गया, आगे बोल। डैडी पट्टा तो मेरे हाथ में है ना। चलो, ख्याली पुलाव का पतीला चढ़ गया चूल्हे पे, अब ये सोचो बाकी चार को कैसे फुटाना है। अरे सिंपल है यार, अगर भगवान ने चाहा तो इस बेवकूफ की जबान की वजह से ही वो लोग भाग जाएंगे, और फिर भी नहीं माने तो हम लोग फिल्म प्रोड्यूसर की तरह जवाब दे देंगे। कांटेक्ट में रहना, बाद में बता देंगे। बिना जिंदगी में पहली बार मुझे डर लगने लगा है। रहने दो डैडी, रहने दो, जब भी आप डरते हो ना ऐसे ही बातें करते हो। तो ठीक है, मैं रमन कुमार और तारा की खातिरदारी में लग जाती हूँ। हाँ, और मैं वो चारों नमूनों के चखने का बंदोबस्त करती हूँ। सजना है मुझे सजना के लिए, और मैं सोच रही हूँ कि पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल के नहा लूँ। चलो आनंद, हम लोग एयरपोर्ट होकर आते हैं। सॉरी दोस्त, समझ सकते हो ना, वो आने वाले बाकी के उम्मीदवारों को फुटाना है। ये तो मैं आने वाला था तुम्हारे साथ, हमारे होने वाले दामाद को लेने। कोई बात नहीं सत्य जी, हम उसे एयरपोर्ट से लेकर सीधा यहीं आएंगे। जल्दी आना। हाँ, अपने पल के बिछाकर उनका इंतजार करूंगा। चले? हाँ चलिए। एक बार ये स्वीटी की शादी हो जाए ना, फिर उसके ससुर के क्लासेस लेने पड़ेंगे। साला मर्दों के नाम पर कलंक है। और मैं सोचती हूँ कि स्वीटी की सास को महिला मुक्ति आंदोलन की सदस्य बना दूँ। क्या पावरफुल लेडी है। टाइम क्या हुआ? टाइम देखो ना। अरे 3 बजे। ए स्वीटी, जा जल्दी से तैयार हो जा, वो लखनऊ वाला लड़का आते ही होगा। मम्मी, उनको फुटाना ही तो है, फिर तैयार क्यों होना? अरे बेवकूफ, नाटक तो परफेक्ट होना चाहिए। कमाल है, 4 बज गए हैं, लेकिन ना लखनऊ की ट्रेन आई है और ना बैंगलोर का प्लेन। जब बुलाएंगे तब बाहर आना। आप जरा उठ के दरवाजा खोलिए। मैं? हाँ जाओ ना। इसे बोलो प्यार से कहे, ऐसे ऑर्डर करिए जैसे महारानी नौकर को हुक्म कर रही है। ठीक है ठीक है। आइए आइए आइए। मुझे रमाकांत पांडे कहते हैं। अच्छा, ये मेरी माता जी हैं। अच्छा, लोग लखनऊ से आए। आइए आइए, तशरीफ लाइए। माता जी पहले आप। नहीं बेटा पहले आप। नहीं माता जी पहले आप। पहले आप। माता जी पहले आप। बेटा पहले आप। Excuse me. Excuse me. मुझे राजन कहते हैं। I am coming from Bangalore. सॉरी जरा फ्लाइट लेट हो गई। कोई बात नहीं, पप्पू ने बात की है आपके बारे में। आप हमारी स्वीटी को देखने आए हैं ना? जी हाँ। माता जी जल्दी चलिए, वरना लखनऊ वालों की पहले आप में साउथ वाले घर में घुस गए। हाँ चलो चलो चलिए। आइए। आइए आइए, हिम्मत भाई के साथ आइए, आपके संधि का घर है। आप है आनंद माथुर। हेलो, हाउ डू यू? वेरी गुड। ये है मेरा बेटा जिगर।
चलो बाकी लोगों की पहचान करवा देता हूँ। चलिए चलिए आप लोग जरा वहाँ जाइए, आप लोग जरा यहाँ आइए। आप हैं मिसेस बीना माथुर, ये इनकी बेटियाँ। नमस्ते। वो लोग कौन है? वो रमाकांत पांडे विथ मदर और राजन पिल्ले फ्रॉम बैंगलोर। इत्तेफाक से हमारी बेटी को देखने आए हैं। तीन तीन पार्टी अपना टेंडर लेकर पहुंच गई। आपकी तारीफ। बंदे को सुंदर लाल कहते हैं। शक्ल से बंदर और नाम से सुंदर। मार खिलवाएगी। मैं मिस्टर पोपटलाल के साले का साला हूँ और ये मेरी धर्मपत्नी सुंदरी और ये मेरा बेटा सुजी। ठीक है ठीक है, जिसको भी जहाँ जगह मिला वहाँ बैठ जाइए। मैं कहाँ बैठूं? आप रहेंगे? बैठिए मेरे सर पर। नहीं कमाल है, कुर्सी के लिए कितनी भाग दौड़। माफ करना सज्जनों, पर जिंदगी में कभी कभार ऐसे भी हादसे होते हैं कि आदमी कुछ नहीं कर सकता। आपके बहन के साथ कोई हादसा हो गया है क्या? वो किसी के साथ भाग गई? अब उनकी बहन को भगाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। बात सिर्फ इतनी है कि आप लोग सब एक ही लड़की को देखने अलग अलग वक्त में आने वाले थे, सब एक साथ हो गए। इसमें टेंशन की क्या बात है, लड़की को सभी साथ में देख लेंगे, क्यों? हाँ भाई क्यों नहीं, ताज होटल में जब पहली बार मस्टरीज का डिस्प्ले हुआ था तो सिर्फ 500 लोग थे। क्या बोला? नहीं मैं बोला था ना लड़का जरा देर साना है। ये देर साना नहीं पौने दो साना है, अपनी बीवी को गाड़ी के साथ कंपेयर कर रहा है। मीनाक्षी स्वीटी को बुलाते हैं, वो सबको अच्छी तरह से पानी पिलाएगी। स्वीटी जरा पानी तो ला। हिम्मत है, इसका क्या मतलब है? ये हमारी बहन का शर्माने का नया स्टाइल है, अभी अभी अमेरिका से मंगवाया है। ओ, अच्छा। मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। जाने तो रहने दो, मीनाक्षी के टाइम भी तुम ट्रे लेके गई थी और लड़का तुम्हें पसंद कर गया था। ये लीजिए, तुम लोग मेरे से कुछ पूछो उसके पहले मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। मेरा नाम स्वीटी है, मैट्रिक में 3 बार फेल हो चुकी हूँ, खाना पकाना मुझे नहीं आता, शीशी के सामने बैठी रहती हूँ, लड़कों को बताना मेरा शौक है और घर का कोई काम काज नहीं जाता। ओके डैडी, क्या बिंदास लड़की है, मुझे तो ये पसंद है। मुझे भी पसंद है। हमारे लखनऊ की महल जैसी कोठी में एक महारानी की जरूरत थी, आपकी बेटी में सब गुण मौजूद है, कोई हम तो लड़की ले जाए। मुझे ऐसी ही बेवकूफ सुंदरी के जीवन भर सपने आते रहे हैं, मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। हम इस लड़की के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं, ये हमारी इज्जत का सवाल है। मार्केट को जब पता चलेगा कि हमारा लड़का जिस लड़की को देखने गया था उसे कोई और पार्टी ले गई, हमारे शेयर का तो भाव उतर जाएगा ना। आनंद जी हमारा पहला ऑफर था, कुछ कीजिए ना। बीना जी मैं आपके मायके का वसीला लेकर आया हूँ। बीना जी मैं आपके बचपन के साथी का आदमी हूँ। आनंद माथुर मैं तुम्हारे बॉस के साले का साला हूँ। देखो भाई लोग, तुम लोग लड़ो मत, आंख एक है और अंधे चार, और वैसे भी छोटी का कहना है कि ये सिचुएशन हिस्टोरिकल है तो इसका सलूशन भी माइथोलॉजिकल होना चाहिए, तो हम लोग स्वयंवर रखते हैं, जो जीता वही सिकंदर। बोलो मंजूर है? मंजूर है, मंजूर है। ओके तो स्वयंवर की शर्तें सुन लीजिए, हमारी स्वीटी रवीना टंडन से भी ज्यादा खूबसूरत है तो उसे अक्षय कुमार से भी ज्यादा बहादुर लड़का मिलना चाहिए। हाल ही में अक्षय ने एक 20 माले की बिल्डिंग से जंप किया था, तो जो लड़का 21वें माले से जंप मारेगा उसे हम स्वीटी बिना दहेज के दे देंगे। तो चलिए सामने की सोसाइटी में एक 21 माले का बिल्डिंग है, वहां जाकर देखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। डैडी मुझे तो स्टूल से जंप मारने में भी डर लगता है। क्या बात करते हो, तुम्हारा नाम तो जिगर है ना? अरे इसका नाम जिगर है तो क्या हुआ, इसकी अकल क्या घास चरने की है जो 21वें माले से जंप मारेगा? नहीं बेटा नहीं मारना, बिल्कुल जंप नहीं मारना। नहीं डैडी गुड। अरे ऐसे स्टंट के होते तो बेंगलोर में मिस वर्ल्ड कंपटीशन से लड़की मिल जाती, यहाँ क्यों मरने आता मैं? नहीं पता चला मेरी शादी का एल्बम बनाने की बजाय आपको मेरी फोटो पर हार चढ़ाना पड़ा। और हमारा तो इकलौता बेटा है, बहू के लिए बलि थोड़ी चढ़ा देंगे। अरे भाग्यवान लड़का सलामत है तो लड़कियां हजारों मिल जाएंगी। हिम्मत भाई
हिम्मत मत हारना, दुनिया में बेवकूफ लोगों की कमी थोड़ी है। इससे भी घटिया दिमाग की लड़की आपके लड़के के लिए मैं ढूंढ लूंगा। चलो वेरी गुड। पहले पता होता तो प्लेन के टिकट के पैसे बिगाड़ कर यहाँ इम्प्रेस करने नहीं आता। आनंद माथुर, पोपट से कह के तुम्हें प्योन नहीं बनवाया तो तुम्हारे बॉस के साले का साला नहीं मैं। ओए, तो क्या उनके बहनोई के बहनोई बन जाओगे? अरे चलो भाई, चले गए, चलो 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 जल्दी चलो। ए टर्मिनल, ट्रे रखो, हैदराबाद के बाकड़े में ले जा रहे हो क्या? मानना पड़ेगा, 5 मिनट में मैदान साफ। अरे डैड, हमारे हाथ में कंट्रोल सौंप दो तो हम दुनिया की बढ़ती आबादी को कंट्रोल कर दे। तो कुछ भी बनती है। अब मुझे अमेरिका जाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। अरे रमन कुमार, क्या भाभी से पूछ कर फोन कर रहे हो क्या? क्या नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? एक कहीं उसका प्लेन क्रैश तो नहीं हुआ? बाप क्या हुआ, आपका मुंह पके हुए पपैये जैसे पीला क्यों पड़ गया? रमन कुमार का फोन था, उसका बेटा अमेरिका से ही शादी करके यहाँ आया है। क्या? हमने इंपोर्टेड के चक्कर में इंडियंस को आकाल दिया और अमेरिकन हमें धोखा दे गया? शायद इतनी बुरी किस्मत किसी की भी नहीं होगी। बकवास मत कर, मेरी जैसी किस्मत किसी की नहीं हो सकती। मेरा पति तो शादी से पहले ही मेरे लिए सौतन ले आया है, वो भी अमेरिकन।